और आज हम बात करेंगे 28 मार्च के बारे में। भाई कल 28 मार्च है, कल मार्केट में क्या हो सकता है, और मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो ऐसे वीडियो मैंने बनाने कल से स्टार्ट किए हैं। मैं आपको अक्सर कहता हूँ मार्केट में कभी लेवल काम नहीं करते, कई सारे लोग आएंगे आपको लेवल बताएंगे। एक यार एक बात बताना भाई, आज का जो मार्केट था पूरा पूरा मार्केट में डब्बा बटन देखने को मिला, पूरा पूरा मार्केट में साइडवेज देखने को मिला, तो यहाँ पे कहाँ पे आपका जो लेवल है वो काम करेगा? आपको याद हुआ कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, और वो वाला वीडियो अगर आप लोगों ने चेक नहीं किया है तो आप जाके मेरा वो वाला वीडियो चेक कर सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कल मैंने आपको पॉइंट बताए थे वो पॉइंट आज वाकई में काम किए कि नहीं किया, आप यूट्यूब के ऊपर जाके चेक कर सकते हो। आपको कारण, आपके पास रीजन क्या है, अगर आपने ये वाला ट्रेड लिया तो आपने क्यों लिया है, तो आपको समझ में आ गया। मार्केट लगातार गिरावट आ रही थी, अभी मार्केट क्या कर रहा है, ये वाला एक रेंज बना रहा है। अगर कल भी मार्केट अगर इसी के बीच में रहता तो कल ये वाला भी रेंज रहेगा। अब ये वाला रेंज का ब्रेकआउट करता है मार्केट, तो मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की थी। तो मार्केट के अंदर लगातार गिरावट आ रही थी, अब मार्केट आपको ऊपर साइड आपको जाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कल भी मार्केट आपको हल्का बहुत आपको ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। और आज के दिन की अगर बात की जाए तो भाई आज हमारा 25वां दिन था हमारे चैलेंज का। 40,000 का कैपिटल है, मुझे लेके जाना 4 लाख तक, और आज जो मेरा प्रॉफिट है वो मैंने यहाँ पे बुक किया 3,500 रुपए का। तो कोई बड़ा प्रॉफिट तो मैं मानूंगा नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है भाई। 30,000 का मैंने कैपिटल यहाँ पे यूज किया था, उसके हिसाब से भी जो ठीक ठाक का जो प्रॉफिट है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 10-12% का जो प्रॉफिट है वो आज हम लोगों ने बुक किया। अभी आपको जो मैं यहाँ पे चार्ट यहाँ पे दिखाया, आपको मैं जो भी चार्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है, इंडेक्स का चार्ट है, और 1 डे टाइम फ्रेम है। ये एक दिन का टाइम फ्रेम है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और कल मैंने आपको सेम यही चार्ट मैंने आपको दिखाया था। मैंने कहा था जो मार्केट में लगातार यहाँ से गिरावट आ रही थी मार्केट के अंदर, फिर मार्केट ने यहाँ से ऊपर आने कोशिश किए, और आगे भी मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम की बात करूँ तो। और आज हमें मार्केट वैसा ही होता हुआ थोड़ा बहुत दिखाई दिया है। अभी ना आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कल भी मैं यहाँ पे सी साइड का ट्रेड ले लूँ। नहीं यार, आपके दिमाग में पहले से कभी पी साइड का सी साइड का ये वाला फैसला कभी आपको नहीं करना चाहिए। आपको कम से कम मार्केट के अंदर, अगर आप बिगनर हो तो भाई मेरे हिसाब से तो आपको 9:20 या 9:30 का आपको वेट करना चाहिए। 9:30 का अगर आप वेट करते हो तो आपके लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो लगभग खत्म हो जाती है, और उसके बाद में एक अच्छी मूवमेंट आप वहां पे पकड़ सकते हो अगर मार्केट साइडवेज ना रहे तो। अब इसको टाइम फ्रेम 5 मिनट लगा के मैं आज का चार्ट अभी समझते हैं, और उसके बाद में कल के लिए हमें थोड़े से व्यू हमारे क्लियर यहाँ पे कर लेते हैं। अगर मैं आज अपने सेटअप की बात करूँ तो मैं अपना चोर सेटअप हस्की नाइस के ऊपर देखता हूँ मैं, और बताना चाहूंगा मैंने ये वाला जो मूवमेंट, आज ये वाला मूवमेंट अगर मैं पूरा पूरा अगर आज कैप्चर कर लेता तो मेरा कैपिटल यहाँ पे डबल हो सकता था, लेकिन मैंने पूरा मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर नहीं किया। एक मूवमेंट के साथ जितना प्रॉफिट मिला उतना प्रॉफिट आज मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा आज मार्केट के अंदर किस प्रकार मार्केट ने हमें आज फंसाने की यहाँ पे कोशिश की। तो नॉर्मल जापानी कैंडल के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, हल्की सी मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आई, फिर मार्केट ने क्या किया, पूरा का पूरा 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 मार्केट में साइडवेज देखने को मिला। देखो साइडवेज मार्केट में सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमें कोई बड़ी कैंडल बन जाती है, बड़ी कैंडल को देख के आपको ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए। ये जो लाल वाली आपको नहीं है, जो हरी वाली जो कैंडल दिखाई दे रही, जैसे लाइव मार्केट के अंदर ये वाली कैंडल बनी होगी तो ये वाली कैंडल को देख के लोगों ने यहाँ पे क्या किया होगा, सी साइड का उन लोगों ने ट्रेड लिया होगा। उसके बाद में क्या, एक लाल वाली कैंडल बनी, और उसके बाद एक काफी बड़ी एक लाल वाली कैंडल बनी, तो भाई उनका वहां पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, और उनका वहां पे काफी बड़ा लॉस हो गया। फिर वो बंदे क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। जैसे उनका लॉस हुआ, ये हरी जो लाल वाली कैंडल के ऊपर इनका लॉस हुआ है, इसी कैंडल के ऊपर वो वापस कई सारे लोग वहां पे क्या करेंगे, पी साइड का ट्रेड ले लेंगे। जैसे उन लोगों ने आज यहाँ पे पी साइड का ट्रेड लिया होगा, मार्केट फिर से यहाँ पे ऊपर चला गया, और यहाँ पे जाके भाई उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और उन्हें यहाँ पे काफी बड़ा लॉस हो गया। अभी यहाँ पे कई सारे लोगों ने भाई, अगर आप लोगों ने भी ये गलती की होगी अपना जाके चेक करना, तो कई सारे लोगों ने ये गलती की होगी, मार्केट ऐसे नीचे आया फिर मार्केट ऊपर गया, तो ये वाली हरी वाली जो कैंडल दिखाई दे रही है, ये वाली कैंडल के ऊपर लोगों ने सी साइड का ट्रेड लिया होगा। जैसे उन लोगों ने सी साइड का ट्रेड लिया, आप देख सकते हो मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट आई, और आज उनके यहाँ पे टापरे बिक गए। तो मार्केट के अंदर एक कैंडल के हिसाब से कभी आपका ट्रेड प्लान नहीं होना चाहिए। अगर आप एक कैंडल देख के सी साइड का ट्रेड ले रहे हो, कभी पी साइड का ट्रेड ले रहे हो, तो भाई एक दो बार तो आपका पैसा बन जाएगा, लेकिन जब आपका लॉस होना स्टार्ट होगा तो भाई आपको समझ में नहीं आएगा, काफी बड़ा आपका लॉस वहां पे हो सकता है। और अभी मैं कहना चाहूंगा मार्केट थोड़ा फंसा रहा है, मार्केट थोड़ा सा दिक्कत कर दे रहा है। अब बात कीजिए लेवल, भाई लेवल मार्केट में काम नहीं करते, जितना जल्दी हो जाए आप सीख जाओ उतना अच्छा है।
भाई मार्केट 2 दिन से तो ऊपर आ रहा है। अगर मैं 1 डे की बात करूं आपको, मैं वापस दिखाना चाहूंगा, अगर मैं आपको 1 वीक की दिखा दूं, आपको पूरा अगर 1 वीक का दिखाऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर मैं ये जितनी आपको कैंडल दिखाई दे रही एक एक वीक की, अब यहां देखो अगर एक एक वीक की बात कीजिए, मार्केट यहां से लगातार ऊपर जा रहा था, फिर वापस मार्केट 2 दिन नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक हफ्ते पूरा पूरा मार्केट आपको नीचे आता हुआ दिखाई दिया है, अब मार्केट वापस आपको ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जितनी कैंडल है ये 5 5 दिन का मार्केट है, बात समझना यहाँ पे। ये जितनी आपको मैं कैंडल दिखा रहा हूं, अब ये पूरा 1 वीक का मूवमेंट है। अब यहां देखो यार, ये मार्केट नीचे आया, वापस सरी आ गई, जैसे ही मार्केट वापस सरी आ गई, जैसे ही मार्केट 2 या 3 हरी दिखाता है, उसके बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ देख सकते हो लगातार दो मार्केट ऊपर गए वहां पे 2 वीक के, फिर मार्केट आपको ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। अब देखते हैं मार्केट कल क्या करता है, लेकिन पहले से आपको प्लान नहीं करना चाहिए, मार्केट अच्छे चल रहे हैं लेकिन आपको स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में काम करना पड़ेगा, मार्केट साइडवेज है। एक कैंडल को देख के आपका अपना ट्रेड प्लान कभी नहीं करना चाहिए। चलो वीडियो अच्छा लगा लाइक यहाँ पे जरूर करना, और भाई हमारा फ्री जो टेलीग्राम ग्रुप आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे आपको लिंक दिया गया है, वहां पे आपको फ्री में बहुत कुछ मैं सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ।